हेलो फ्रेंड्स, इमेज प्रोसेसिंग के कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन वन से। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग? तो थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं। सो देर आर वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। सो इनमें से थर्ड स्टेप की बात की जा रही है। तो इनको हमें सारे स्टेप्स को ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। जो हमारा पहला स्टेप होता है वो इमेज एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन, इमेज को एक्वायर किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में। और बेसिकली इसी स्टेप में प्री प्रोसेसिंग होती है, जैसे स्केलिंग वगैरह करना। तो इमेज एक्विजिशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। एंड देन कम्स द इमेज एनहांसमेंट। द इमेज एनहांसमेंट इज़ द सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड वन इज़ द इमेज रिस्टोरेशन। तो हमारा जो थर्ड वन है रिस्टोरेशन होता है, रिस्टोरेशन इज ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इमेज रिस्टोरेशन। मींस द थर्ड स्टेप इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज इमेज रिस्टोरेशन। इमेज रिस्टोरेशन का मतलब एक्चुअली ये होता है कि अपीयरेंस ऑफ इमेज को इम्प्रूव करना, राइट? तो इस तरह से करके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यूज ऑफ ए कंटिन्यूस इमेज इज कॉल्ड। तो डिजिटाइजिंग ए कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस इमेज इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर टू पूछ रहे हैं। तो इसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं, सैम्पलिंग। ठीक है, तो डिजिटाइज करना कोऑर्डिनेट वैल्यूज को कंटिन्यूस इमेज के, तो उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं, इसको सैम्पलिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स से जो एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम रेडियंस बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? लॉजी कंप्रेशन इज यूजफुल इन। तो देखिए, लॉजी कंप्रेशन कहाँ पर यूजफुल होगा इन चार ऑप्शन में से? तो देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्रेशन। वन इज लॉजी कंप्रेशन एंड अनदर वन इज द लॉसलेस कंप्रेशन। तो लॉजिक कंप्रेशन, लॉसलेस कंप्रेशन बेसिकली ये डेटा से रिलेटेड होते हैं। लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, लाइक वी हैव टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, इमेज टाइप ऑफ डेटा। तो जब इन डेटा को हम किस फॉर्मेट में रख रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उनके ऊपर एल्गोरिथम्स लगा करके उनके साइज़ के ऊपर काम करते हैं। तो कंप्रेस करते हैं बेसिकली, साइज़ को छोटा करना। ठीक है, तो लॉजिक कंप्रेशन वो कंप्रेशन होता है जिसमें डेटा को हमने कंप्रेस कर दिया, और जब हम उस डेटा को वापस रीस्टोर करते हैं, कंप्रेस डेटा को वापस रीस्टोर करते हैं, तो हमें ओरिजिनल डेटा नहीं मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिक कंप्रेशन। मींस सम डेटा इज लॉस्ट। वेयर एज इन लॉसलेस कंप्रेशन, जो जिस डेटा को हमने या इमेज को या वीडियो को हमने कंप्रेस किया और वापस उसको डीकंप्रेस किया, तो हमें ओरिजिनल डेटा मिल जाता है, तो हम उसको लॉसलेस कंप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में हमें बताना है कि लॉजिक कंप्रेशन यूजफुल इन चारों में कहाँ पर होता है। तो देखो, जो मिलिट्री टाइप के जो डेटा होते हैं वहाँ पर हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है, तो हमें लॉसलेस कंप्रेशन यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। स्पेस इमेजिंग, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में जब बात कर रहे हैं वहाँ पर हमें एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल इमेजेस, लाइक एक्सरे हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर परफेक्ट एक्यूरेट डेटा हमें चाहिए, तो वहाँ पर लॉसलेस हम लॉजिक को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज़ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। तो टेलीविजन में डेटा लॉस हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो लॉजिक कंप्रेशन यूजफुल इन टेलीविजन बेस्ड कास्टिंग। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिसीजन ट्री एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो डिसीजन ट्री एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल मैचिंग। तो ये स्ट्रक्चरल मैचिंग का ही एक एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। बैंडविड्थ कंप्रेशन मीन्स, तो बैंडविड्थ कंप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? बैंडविड्थ, एक्चुअली बैंडविड्थ को जो हम कंप्रेस करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है? डिजिटल कंप्रेशन, एनालॉग कंप्रेशन, रिलेटिव कंप्रेशन, वट एग्जैक्टली इट इज़? तो इट इज़ एनालॉग कंप्रेशन। जब बैंडविड्थ कंप्रेशन की बात करते हैं तो इट इज़ एनालॉग कंप्रेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिक कंप्रेशन। तो इन फाइल फॉर्मेट्स में से हमें लॉजिक कंप्रेशन के एग्जाम्पल को बताना है। तो ये क्या है? तो लॉजिक कंप्रेशन जो परफेक्ट एग्जाम्पल इज JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये हमारा परफेक्ट एग्जांपल है किसका? लॉजिक कंप्रेशन का। दूसरे हमारे फॉर्मेट्स हैं लाइक GIF, ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, एंड PNG, पोर्टेबल एंड ग्राफिक्स इमेज, एंड TIF। तो ये हमारे जो PNG और GIF और TIFF है,
टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, बेसिकली ये लॉसलेस के लिए यूज़ होते हैं। इनमें से जो स्पेशली जो ये TIFF होता है, TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये दोनों तरह से काम करता है, लॉसी भी काम करता है, लॉसलेस भी काम करता है। PNG जो होता है लॉसलेस होता है, पोर्टेबल एंड ग्राफिक्स इमेज फाइल फॉर्मेट। ये फाइल फॉर्मेट को जनरेट किया गया था GIF को ओवरकम करने के लिए, बेसिकली इंटरनेट पर वेबसाइट्स में जो इमेजेस को रखा जाता है डिस्प्ले के लिए पर्पस के लिए, तो वहाँ पर नॉर्मली इमेज GIF और PNG इमेजेस को यूज़ किया जाता है। सो JPG यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा किसका, लॉजी कंप्रेशन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, द एरिया इन विच द रिसेप्टर्स आर एबसेंट इज कॉल्ड, द एरिया इन विच द रिसेप्टर्स आर एबसेंट इन कॉल्ड, ऐसा एरिया जहाँ पर रिसेप्टर्स एबसेंट होते हैं क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर एट का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ब्लाइंड स्पॉट। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉसलेस कंप्रेसिंग कंप्रेशन ओनली, तो लॉसलेस कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो लॉसलेस कंप्रेशन एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, अभी मैंने बताया था JPG तो लॉजी होता है, JPG तो लॉजी होता है, TIFF दोनों तरह से काम करता है, ठीक है, MNG भी लॉसी की तरह काम कर सकता है, तो PNG यहाँ पर बनता है। पोर्टेबल एंड ग्राफिक्स इमेज फाइल फॉर्मेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉसलेस इमेज कंप्रेशन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसी प्रोसीजर जिससे जो है ब्लड वेसल्स की इमेजेस को लिया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी, इसको क्या बोलते हैं एंजियोग्राफी, ठीक है। तो टर्म्स यूज़ होते हैं ग्राफिकल के, इनको भी मेडिकल में ये टर्म्स यूज़ होते हैं, या जैसे सोनोग्राफी हुआ, एंजियोग्राफी हुआ, ECG, EG, इनको भी हमें एक बार ध्यान रखना चाहिए। तो ब्लड वेसल्स की इमेजेस को जो लिया जाता है उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, तो देखिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का इनमें से कौन सा मेडिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली CCTV जो है डिजिटल, ये मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। अल्ट्रासोनिक और CNGOGRAMS एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये सारे हमारे मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स हैं, लेकिन जो CCTV है स्पेशली ये मेडिकल से रिलेटेड टर्म नहीं है। तो 11 का जो है सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 12 देखते हैं, द एब्रीवेशन ऑफ CBIR, क्वेश्चन 12, CBIR का एब्रीवेशन हमें बताना, दिस कंटेंट बेस्ड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, कंटेंट बेस्ड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 12, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इमेज एनहांसमेंट इज, तो देखो इमेज के एनहांसमेंट को हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, तो इमेज एनहांसमेंट इज बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल ऑफ इमेज, तो इमेज को हम मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं, उसमें मैथमेटिकल फार्मूला वैल्यूज रखी जाती हैं, तब जाकर के उसको इन्हांस किया है। तो इसको इमेज एनहांसमेंट को हम किससे रिलेट करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ इमेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डिजिटाइजिंग दी एम्पलीट्यूड वैल्यूज इज कॉल्ड, तो डिजिटाइजिंग दी एम्पलीट्यूड वैल्यूज इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, एम्पलीट्यूड वैल्यूज को डिजिटाइज करना, इसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस दैट रिमूव्स इंटरपिक्सल रिडंडेंसी आर रेफर्ड एज, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस दैट रिमूव्स इंटरपिक्सल रिडंडेंसी आर रेफर्ड एज, इसको बोलते हैं मैपिंग, ये मैपिंग होता है, इसको मैपिंग बोला जाता है, रिडंडेंसी पिक्सल्स की हटाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ लॉसलेस एंड लॉजी, तो मैंने बताया था अभी क्या TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ एज लॉसलेस एज वेल एज लॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि मिड लेवल प्रोसेसिंग ऑन इमेज इन्वॉल्व्स सेगमेंटेशन, इसको बोलते हैं मिड लेवल इमेज प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑन इमेज इन्वॉल्व्स सेगमेंटेशन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सम इमेज जनरेशन सिस्टम्स हैविंग फिजिकल आर्टिफैक्ट्स एम्बेडेड ऑन द इमेजिंग सेंसर इटसेल्फ आर कॉल्ड, तो इसको मेटालिक पॉइंट्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मेटालिक पॉइंट्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19, द शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एन इमेज इज बेसिकली नोन एज, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एन इमेज इज
बेसिकली नोन एज इसे रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। दिस अनदर डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन इमेज, इट्स कॉल्ड विदाउट एनी ओवरलैप इट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन। ध्यान रखना चाहिए हमें इनको। और ये क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। एन इमेज मेड अप ऑफ स्क्वायर एरे 256 बाई 256, मतलब 256 विड्थ हैं इमेज में और 256 कॉलम्स हैं, तो इसको कितनी, इसको इस इमेज को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि 2 बिट 1 पिक्सल के लिए यूज़ हो रही है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम इसको सॉल्व करेंगे 256 x 256 मीन्स सारे पिक्सल्स निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको 1 पिक्सल को स्टोर करने के लिए कितनी बिट यूज हो रही है वो कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे। इतने बिट की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस इमेज को स्टोर करने के लिए। लेकिन हमें ये आंसर किस में दे रखें, केबी में दे रखें, तो केबी में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे पहले 8 से, तो ये बिट कन्वर्ट हो जाएंगे बाइट में, फिर एक बार और डिवाइड करेंगे किस से, 1024 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोबाइट में, केबी में। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 16 केबी, लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है यहाँ पर, ठीक है, क्या आएगा 16 केबी, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और अभी और क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, वो क्वेश्चंस जल्दी ही आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।